पटना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ डबल सफलता मिली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों के खिलाफ पटना पुलिस का डंडा चला है। दरअसल बालू लदे ट्रकों से उगाही कर रहे अपराधियों को पुलिस ने दबोचा है। खबर है पालीगंज से आई है, पटना के पालीगंज से, जहाँ रानी तालाब थाना अंतर्गत पुराना जनपारा गांव में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बालू लदे गाड़ियों से अपराधी हथियार के साथ जमे हुए हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। पालीगंज SDPO टू उमेश्वर चौधरी ने बताया कि कल देर रात रानी तालाब थाना प्रभारी को सूचना मिली कि पुराना जनपुर शिव मंदिर के पास एक झोपड़ी में अपराधी जमे हुए हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। तो जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर धावा बोल दिया और पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा। क्या कुछ कह रहे हैं पालीगंज SDPO उमेश्वर चौधरी, आप सुन लीजिए। कल दिनांक 26/10/2024 की देर रात्रि में थाना प्रभारी को सूचना मिला कि जनपाड़ा स्थित शिव मंदिर के पास एक झोपड़ी में कुछ अपराधी हथियार के साथ जमे हुए हैं एवं अवैध वसूली कर रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए थाना प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घेराबंदी कर चार व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। चार व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम गणेश कुमार, सूरज कुमार, शैलेंद्र कुमार एवं पप्पू सिंह। घेराबंदी के क्रम में दो व्यक्ति भागने में सफल हुए, जिसमें एक व्यक्ति का नाम टुनटुन सिंह बताया गया और दूसरे का नाम रवि कुमार बताया गया। जब झोपड़ी का तलाशी लिया गया, तलाशी के क्रम में एक 315 राइफल और 24 जिंदा कारतूस, चार मोबाइल, दो मोटरसाइकिल एवं एक अपराधी के पास से 500 रुपये का चार नोट यानी कि कुल 2000 रुपये बरामद किया गया। जब इन चारों अपराधियों से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि टुनटुन सिंह के द्वारा हथियार के बल पर घाट से निकलने वाले वाहनों से अवैध वसूली का काम किया जा रहा था। इसी बीच में थाना प्रभारी को सूचना मिला और थाना प्रभारी बलबल के साथ छापेमारी किए और इन चारों को गिरफ्तार किया। इसमें सर किसी का आपराधिक इतिहास भी है? यस, एक पप्पू सिंह है जिनका आपराधिक इतिहास है। रानी तालाब थाना कांड संख्या 14-13 ये मर्डर का केस है, ये इनका आपराधिक इतिहास रहा है। तो सुना आपने कि अपराधियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की गई और जो बालू लदे गाड़ियों से जो अवैध वसूली कर रहे थे, जो अपराधी मौके पर मौजूद थे, चार अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें गणेश, सूरज और पप्पू सिंह शैलेंद्र चारों जनपारा के रहने वाले हैं। जब झोपड़ी की तलाशी ली गई तो ये अपराधी जो हैं इनके पास से 315 बोर का एक राइफल, 24 जिंदा कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ कुछ कैश रुपये भी बरामद हुए। बताया ये जा रहा है टुनटुन सिंह का यह अवैध हथियार है जिसके भय दिखाकर बालू लदे वाहनों से ये लोग वसूली करते थे। पप्पू सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास है, इस पर हत्या के मामले दर्ज हैं। तो अपराधी जो पकड़े गए हैं इनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और हथियार के बल पर डरा धमकाकर ये बालू लदे ट्रकों से, ट्रैक्टरों से अवैध वसूली करते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। तो ये पालीगंज से खबर आई। तो पटना की बिहटा पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस को ने अपराध की योजना बना रहे तीन कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा है। उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और खोखा और मोबाइल फोन और बाइक भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान विवेक राज उर्फ विवेक कुमार, अमरेश कुमार और विपुल कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में दानापुर DSP पंकज मिश्रा ने क्या कुछ बताया, आप पहले उनका बयान सुन लीजिए। दिनांक 26/10/2024 के रात्रि में SDF के द्वारा सूचना मिला कि बिहटा थाना अंतर्गत परसा गांव के पास में कुछ व्यक्ति अवैध हथियार के साथ में आए, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। यह सूचना मिलते ही उसमें एक टीम गठित किया गया बिहटा थाना से और टीम जा करके वहाँ पर छापामारी किया गया। वहाँ से तीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह व्यक्ति विवेक राज विवेक कुमार, पिता बबलू शर्मा, साकिन भीमपुरा, मसूरी थाना का रहने वाला है, और दूसरा लड़का अमरीश कुमार, पिता सुनील शर्मा, और तीसरा विपुल सिंह, पिता हरे कृष्ण सिंह, दोनों जिनपुरा थाना बिहटा का रहने वाला है। जब इन दोनों को सर्च किया गया, तीनों को
तो इन लोगों के पास से 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये सभी व्यक्ति जो है एक कुख्यात अपराधी है, जिसके ऊपर हमें अलग अलग थाना में कई कांड दर्ज हैं। लोग हत्या, सुपारी किलिंग, एक्सटॉर्शन, आर्मसाइट जैसे कई कांडों में जो है पहले भी जो जा चुका है, कुछ का आपराधिक इतिहास मिला है और हम लोग बाकी का आपराधिक इतिहास जो है अलग अलग थाना से पता कर रहे हैं। तो सुना आपने कि पटना एसटीएफ के द्वारा बीहटा पुलिस को सूचना मिली कि बीहटा थाना क्षेत्र के पतसा गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई और मौके से 3 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा गया। और बताया ही जा रहा है कि विवेक राज जो मसौढ़ी का रहने वाला है, अमरीश कुमार, विपुल कुमार बीहटा के जिनपरा गाँव के रहने वाले हैं। जब गिरफ्तार तीनों अपराधी को जांच की गई तो इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया, 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, गोली खोखा और उसके अलावा मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। और जो बता रहा है पुलिस ने कि विपुल कुमार और विवेक राज का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, पटना के विभिन्न थानों में इन पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। तो पटना पुलिस को डबल सफलता मिली, जहां बालू लदे ट्रकों से वसूली कर रहे थे ये अपराधी तो वहाँ दबोचे गए, और दूसरी तरफ अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे, बड़े अपराध को अंजाम देने वाले थे, उससे पहले पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने धर दबोचा है। तो ये जो रिपोर्ट है दानापुर से हमारे संवाददाता पशुपतिनाथ शर्मा ने भेजी थी। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।